नापेंगे नहीं तो कैसा चलेगा, नापेंगे ना भाई, नापेंगे नहीं तो कैसा चलेगा, नापेंगे नहीं तो कैसा चलेगा, हमारा जो बच रहा हमको दे दो। कमिश्नर जी क्या बोले, नापेंगे? हाँ नापेंगे। जमीन जिस पे हम रहते हैं ये की पक्की फैमिली की नहीं है, ये तो महानगर पालिका की है, ये तो कब्जा जमीन। जब आज 50 हम 50 साल से लगभग यहाँ रहते हैं। अगर आप नमस्कार आदाब, आइए बात करते हैं भिवंडी शहर के परशुराम टावरे स्टेडियम के पास 9 घरों को तोड़ने का जो मामला था, उसी मामले को लेकर आज भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका मुख्यालय के अंदर बैठक हुई। आयुक्त के मार्गदर्शन में भिवंडी शहर के 2 दर्जन से अधिक नगर सेवक वहाँ मौजूद थे और सामाजिक कार्यकर्ता भी। इस मामले को लेकर आयुक्त ने क्या कहा और उससे क्या यहाँ के लोग खुश हैं, आइए सुनते हैं। मैं खान फख्र आलम। भाई जो आपके यहाँ पर आपके घर पर जो तोड़क कार्रवाई की गई थी, उसके बाद जो कॉर्पोरेशन की तरफ से आप लोग की मीटिंग की कमिश्नर से, तो क्या उसमें बात निकल कर आई, क्या जो इसका हल निकला था इसके बारे में? मैं कमिश्नर साहब का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना टाइम निकाल के और हमारी बात रखने के लिए हमें टाइम दिया, और तमाम कॉर्पोरेटर जो वहाँ मौजूद थे वो तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे पक्ष में रह के बात की। वहाँ पे ये हुआ है कि सबसे पहला मुद्दा था हमारा कि हमारा घर गलत टूटा है, 1 मीटर जाना चाहिए था 3 मीटर गया है, तो कमिश्नर साहब से वहाँ हमने नपनी की माप दोबारा की है, मांग दोबारा की है, तो उन्होंने 4 तारीख को हमको आदेश दिया है कि आपकी नपनी दोबारा की जाएगी। अब दोबारा नपनी होने के बाद अब देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। अच्छा, मीटिंग के बीच में कुछ नगर सेवकों ने मामला उठाया कि आप लोगों को इजाज़त देने की बात। हाँ हाँ है, नगर सेवकों ने ये बात को उठाया था कि नाला पार साइड पे कहीं पे जो महानगर पालिका की गवर्नमेंट की ज़मीन है, रजिस्टर ज़मीन है, तो उस पर आपको बना के दिया जाएगा, लेकिन वो रिजल्ट अभी ये मसले के नपनी के मसले के बाद देखते हैं कि इसमें क्या निकलता है, हमारा क्या नहीं निकलता है। अगर जैसे कि अब जो भी इधर मुद्दा हो जाए, अगर वहाँ पे मिलता है, बना के मिलता है तो अच्छी बात है, घर के बदले तो घर ही चाहिए हमारे को, घर मिल जाएगा तो हम लोग काय को इतना बड़ा मसला करेंगे, घर के बदले घर ज़रूरी थोड़ी है। अगर यहाँ निकलता है तो हम यहाँ बना के रहेंगे, और अगर मान लो नपनी में अगर कोई बार ये हुआ कि भाई आप लोगों का नहीं बच रहा, आप लोग का पूरा जाएगा, तो ठीक है, मैं कमिश्नर साहब के साथ हूँ, हम अपनी महानगर पालिका के साथ हूँ और तमाम काउंसलरों के साथ हूँ जो जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया, और उसमें जो 4 तारीख को नपनी का जो आदेश मिला है उसमें सपोर्ट किया, और वहाँ जो घर देने की बात की गई है उसमें भी इंशाल्लाह वो लोग आगे हमारा सपोर्ट करेंगे। ऐसा सुनने में आया है कि कोई पक्की फैमिली है, उन्होंने जो है उन्होंने भी आपके जो ज़मीन है उसके मुआवजे की मांग की और बताया कि ऐसी हकदार वो है, ऐसा कुछ चल रहा है? नहीं नहीं नहीं, ये जो ज़मीन जिस पे हम रहते हैं ये कई पक्की फैमिली की नहीं है, ये तो महानगर पालिका की है, ये तो कब्जा ज़मीन। जब आज 50 साल से लगभग यहाँ रहते हैं, अगर आप पक्की ज़मीन की बात करोगे तो वो तो आगे जाता है, हाँ वो आगे जाता है, जिनका उनका तो पूरा नहीं टूटा है, उनका तो थोड़ा थोड़ा गया है, वो दूसरी है, इसमें पक्की फैमिली का इसमें कोई लेना देना नहीं है। एक अब्दुल अजीज चुनी वाला करके है, मकसूद से बोला जाता है, तो उन्होंने भी एक लेटर दिया है महानगर पालिका को कि हमारी ज़मीन रोड वाइंडिंग में जा रही है तो उनको उसका मुआवजा चाहिए, तो यहाँ आप लोग भी है तो उनकी जगह कहाँ पर है? यहाँ ये हम लोग की जगह, यहाँ पे हम लोग अपना बोल रहे हैं, उनकी जगह ये लाइन क्रॉस करके आगे वाली लाइन है, मतलब है जगह उनकी, हाँ उनकी जगह वहाँ से स्टार्ट हुई है, हम लोग की जगह पे हम लोग अपना है। आप लोग नहीं, हम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, 9 के अलावा उनकी जगह, हाँ वहाँ से स्टार्ट हुई है। अभी यहाँ पे हम लोग का परिवार 50 से 55 साल हो गया यहाँ पे रहे। तो आज महानगर पालिका में गए थे, महानगर पालिका में गए हैं, जो मीटिंग हुई है, जो वहाँ का कमिश्नर बोला है वो एक हिसाब से सही है, अब यहाँ पे जो नापी होगी वो नापी के हिसाब से अब काम चलेगा यहाँ पे। अच्छा, नापने के बाद मान लो कि अपनी जगह नहीं निकली, तो आपके मोहल्ले के नगर सेवक ने वहाँ कमिश्नर को बताया कहीं जगह है नाला पार? हाँ, नाला पार में कहीं जगह है, जगह आप लोगों को मिलती तो अच्छी बात है। क्या लगता है आपको, आपके हिसाब से क्या लगता है? नहीं, आप इधर सही नहीं है? नहीं।